Good news for the residents of Hafiz Baba Nagar surrounding areas. Burrito ice cream first anniversary offer. Buy one get one free. Buy any item and get same item free. Assalamu alaikum nazreen. Aaye nazar dalte hain manorajan ki duniya se kuch khaas khabron par. मनोरंजन की दुनिया से खबर आ रही है कि बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम इमरान हाशमी स्टारर फिल्म मुंबई सागा बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म को हिट बनाने के लिए स्टार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जॉन अब्राहम ने एक कदम आगे निकलकर टिकट बेचना ही शुरू कर दिया। फिल्म का प्रमोशन करने के लिए जॉन और इमरान थिएटर पहुंचे, जहां लोगों को जॉन ने खुद टिकट बेची हैं। जी हां, इमरान हाशमी ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें जॉन अब्राहम टिकट विंडो पर फिल्म की टिकट बेचते नजर आ रहे हैं। लोगों को जॉन का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है। इंडो पॉलिश एक्शन थ्रिलर फीचर फिल्म नो मींस नो की रिलीज का वेट करने वाले लोगों को अब कुछ टाइम और वेट करना होगा, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर विकास शर्मा ने एक बड़ा फैसला किया है कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली फिल्म को पोस्टपोन किया गया है, ताकि लोगों के जान के साथ लापरवाही ना हो। दरअसल देश और दुनिया में दोबारा कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, और अभी भी कई देश और दुनिया में मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स पूरी तरह से लोगों के लिए नहीं खोले गए हैं। फिल्म के रिलीज होने पर उसे देखने के लिए जाने वाले लोगों पर कोरोना के इन्फेक्शन का खतरा बना रहेगा। ऐसे में विकास वर्मा का कहना है कि जब तक देश और दुनिया भर में वैक्सीनेशन पूरी नहीं हो जाती और लोगों के लिए पूरी तरह से मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स को नहीं खोला जाता है, तब तक फिल्म को रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को 19 मार्च यानी कल शुक्रवार को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइवर्स यानी FIAF अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन इस अवार्ड को लेने वाले पहले इंडियन भी बन गए हैं। इस मौके पर हॉलीवुड फिल्मेकर मार्टिन स्कॉर्सेस और क्रिस्टोफर नॉलन ने फिल्म धरोहर के संरक्षण के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए अमिताभ बच्चन की सराहना की है। बता दें, इस वर्चुअल प्रोग्राम के दौरान वीडियो मैसेज में आयरिश मैन के डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेस ने कहा कि अमिताभ ने इंडिया की फिल्मी धरोहर को संजोने में अच्छा काम किया है। साथ आपको बता दें कि 78 साल के बॉलीवुड आइकन अमिताभ बच्चन का नाम FIAF एसोसिएटेड फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा नॉमिनेशन किया गया था, जो फिल्म प्रोड्यूसर और आर्काइविस्ट शिवेंद्र सिंह डोंगरपुर द्वारा स्थापित नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म अनेक को लेकर सोशल मीडिया पर हर रोज कुछ न कुछ अपडेट आ रहे हैं। अब खबर आ रही है कि फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर लिया है। इस बात की जानकारी खुद आयुष्मान खुराना ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से कई फोटोज शेयर करके दी है। इन फोटोज में उनके साथ फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा और साथ में काम करने वाली पूरी टीम नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने फिल्म के एक शॉट को शूट करते हुए कैमरे का फोटो भी शेयर किया है, जिसमें वो एक्टिंग करते दिख रहे हैं। इसी के साथ आयुष्मान ने एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि ये बहुत ही खास फिल्म अनेक का रैप अप है और ये सरप्राइजिंग से भरा हुआ है। साथ ही ये एक अछूता टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नए युग का सिनेमा है। शूटिंग के लास्ट डे मैं इमोशनल क्यों हो जाता हूँ, क्योंकि ये रोल मुझे फिर से कभी नहीं मिलने वाला। साथ ही मैं जोशुआ के रोल को मिस करूंगा और मुझे नॉर्थ ईस्ट की भी बहुत याद आएगी। आपको बता दें कि ये फिल्म 17 सितंबर को रिलीज होगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो आयुष्मान खुराना फिल्म अनेक के साथ साथ इस साल फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी और फिल्म डॉक्टर जी में भी नजर आने वाले हैं। एक्टर धर्मेंद्र ने कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र ने एक वीडियो शेयर किया है, इसमें उन्होंने बताया है कि ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित हों, और वो शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इससे पहले उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने भी मुंबई में कपूर हॉस्पिटल में जाकर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई थी। बता दें कि धर्मेंद्र ने वैक्सीन लगवाने के बाद ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ट्वीट करते करते जोश आ गया और मैं निकल गया वैक्सीन लेने। ये शो ऑफ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप सभी को प्रेरणा देने के लिए है। दोस्तों, अपना ध्यान रखें। वहीं हाल के दिनों में निक्की तंबोली, ऐश्वर्या शर्मा, सतीश कौशिक, मनोज वाजपेयी, आशीष विद्यार्थी जैसे सेलेब्स कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। मनोरंजन की दुनिया में आज इतना ही। बाकी की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सच न्यूज़ के साथ।
मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।